See, I know it's a bit hard to believe, but I did 52 push-ups in front of a crowd of 3,000 people right inside the heart of the IIT Bombay campus, inside the OAT. Kab, kahan, kaise? Here's the vlog. यार अभी मैं जस्ट थोड़ा सा काम कर रहा था और मुझे ऋषि का कॉल आया। ऋषि मतलब हाँ आईआईटी बॉम्बे वाला ऋषि। उसने मुझे बोला कि भाई टेक फेस्ट है, कुछ चल रहा, तू आएगा क्या? मैंने बोला यार मेरी 7 बजे से कुछ मीटिंग है, आज तो नहीं हो पाएगा। उसने बोला यार भाई आईआईटी बॉम्बे का टेक फेस्ट है, मिस तू ही करने वाला। मैंने बोला भाई भाई एंट्री का लोड नहीं होगा ना, जाके घर भिजवा दिया वापस। फाइनली इनसाइड आईडी बॉम्बे। अभी रोया गया कि ऑटो लेके ओआईटी के अंदर। भाई आईडी के अंदर ऑटो चलता है, सही है। हॉस्टल 2 जहाँ पे ऋषि भाई ने हम लोगों को बुलाया था। एंड ऑनेस्टली मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस कुछ पता ही नहीं था कि टेक फेस्ट में होता क्या, क्योंकि bro, I'm just an online student, मुझे बस जूम मीट ज्वाइन करना और लीव करना आता है, और क्या मल्टीपल टैब्स देके एग्जाम देना वो अलग बात, बट तुम पॉइंट पे आओ यार। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रोबोट वगैरह रहेंगी, कुछ तुम्हारी गाड़ियां रहेंगी जिसको रिमोट वगैरह से चलाते, बट रुको जरा सबर करो, पूरी वीडियो में तुमको बाकी की चीजें भी दिखाएंगे। बट बिफोर दैट आईआईटी बॉम्बे जाके वी मेट समवन रियली स्पेशल, नरेंद्र राज, नरेंद्र भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, जिनका कंटेंट मैंने बहुत देखा था ड्यूरिंग माय जेई टाइम्स। एंड उसके बाद जब वो फिल्म मेकिंग में शिफ्ट हुए तब मैंने उनको और डीपली फॉलो करना स्टार्ट करा, एंड वो भी आईआईटी बॉम्बे आए होते हैं अपेरेंटली। सो व्लॉगर्स व्लॉगिंग व्लॉगर्स गुड कंटेंट। हमको अभी मिल गए यहां पे नरेंद्र भैया। एक्चुअली हम जब आए थे इधर तो ऋषि ने बोला नरेंद्र भैया है, हमने बोला नहीं अब तो मैं आना ही पड़ेगा क्योंकि अपना ही फिल्म मेकिंग चलता रहता है और भैया से बहुत सारे टिप्स लेने आए, कैसे इसमें पूरा रिव्यू करेंगे, क्यों ना पहली बार मिल रहा है, लाइक भैया का कंटेंट मैंने पहले बहुत देखा है, बातें करेंगे जानेंगे, यही फायदा होता है क्रिएटर से मिलने का कि उससे कुछ सीखने को मिलता है, अपने नॉलेज शेयर करते हैं, ये कनेक्शन बनते रहेगी, नेटवर्किंग बनते रहेगी, हम ग्रो करते रहेंगे साथ, क्योंकि यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं, अब अपनी फैमिली और सब बात साथ में ग्रो करना है, चिल करना है, पार्टी करना है, वो ज्यादा दिखाएंगे नहीं। अब बस ये वीडियो है आईआईटी बॉम्बे के टेक फेस्ट में जाने के लिए, और आईआईटी बॉम्बे के अंदर जाने के लिए आपको पार करना पड़ेगा गहरा समंदर जिसका नाम है जेई एडवांस। 2 साल बस पढ़ाई 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 और एंटरटेनमेंट लेने जाओ तो खुद को ही गाली बकने लगते कि भाई क्या कर रहा है तू, ऐसे क्लियर होगा जेई एडवांस्ड, भाई ये सब दोगलापन है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि अभी आपके लिए कुछ ऐसा आ गया है, यू डू नॉट जस्ट हैव टू एक्सप्लेन देम थ्योरेटिकली बट यू हैव टू एक्सप्लेन दोस कॉन्सेप्ट्स बाय परफॉर्मिंग डेयरिंग एक्टिविटीज। 99% लोग देख के ही डर जाएंगे और परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओह माय गॉड। An Academy Timeout is such a place जहाँ पे तुम जाके अपने टॉपर्स को जो कि IIT और NEET क्लियर करके अच्छे कॉलेज में बैठे हुए एंड वॉच देम सींग डूइंग अमेजिंग फन वाली चीज है, लाइक भाई बैठ के जो लो चिप्स चबा रहे, बैठ के अपने NEET में जितना स्कोर करा है उसका 50x अमाउंट 10 मिनट के अंदर स्पेंड कर रहे हैं, लाइक हाउ फन इज दैट। अब एक बात बिल्कुल सच सच बताना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे ज्यादा फिजिक्स में फटती है ना, क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट को कभी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कंपेयर करके पढ़ते ही नहीं हो, और अगर पढ़ा होता तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता। क्या ऐसा उठा दे इसको ऊपर, Let's launch. अच्छा ये ऐसे जाके ऐसे छोड़ देंगे, फिर पेंडुलम के जगह अभी इंसान ऐसे ऐसे लटकेंगे। पहले तो वो ब्लू रोप्स के वजह से टेंशन बिल्ड हुआ, ब्लैक रोप्स में टेंशन क्रिएट हुआ, टेंशन का फोर्स क्रिएट हुआ, एंड ये कुछ सिमिलर है वो टेंशन स्प्रिंग मास सिस्टम के जैसे। निकालो बैठ के अभी 2π√L/g करो इसमें बैठ के, 100 feet हाइट है भाई, कुछ निकाल के बैठ मत जाना अंदर, मतलब। एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टॉक अबाउट कि फिजिक्स को एक बार फील करके पढ़ के तो देखो, फिर देखो कॉन्सेप्ट कैसे नहीं समझ आता। एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ द होल वीडियो जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। द वीडियो इज रियली इंटरेस्टिंग, चेक इट आउट ऑन अनअकैडमी टाइमआउट चैनल, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, एंड दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर जेई जर्नी, जो कि आपको काफी एक रिलैक्स एंड रिफ्रेश्ड मूड में रखेगी अलॉन्ग विद ऐसे ऐसे फन फन वीडियोज के साथ। सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बाकी चलो आईआईटी बॉम्बे चलते हैं। बॉस गाड़ियों के लिए लेजिट इतनी भीड़ हो रही है भाई, मतलब गाड़ियों का सेलिब्रिटी ट्रीट किया जा रहा है इस फेस्ट में, बड़ा इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल, क्योंकि मैंने कभी तक ऐसी चीजें नहीं देखी है। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई आई होप कि किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा जहाँ पे ये सब बकचोदी कर सकते हैं, हमारे कॉलेज में होता है नॉट गोना लाइक, बट खुला नहीं है तो काफी सैड है, बट कोई नहीं,
अगर एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है इधर, सो देयर इज नथिंग हर मिनट। सो व्हाट आई केम टू नो वाज टेक फेस्ट में बेसिकली दो इवेंट होने वाले थे। एक था जो गाड़ियों का शोकेस होने वाला था, सुपर कार्स का वो, एंड द सेकंड वन वाज द रोबो वॉर्स, जहां पे मैंने बोला था ना रिमोट कंट्रोल गाड़ियां। हां वही, मतलब ब्राजील रशिया वगैरह से टीम्स आई हुई थी एंड इंडिया से बहुत सारी टीम्स थी। सो दे वर बेसिकली मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक अपने कुछ रोबोट कार्स एंड उनकी फाइट हो रही थी। एंड ये बहुत बड़े स्केल पे होता था लाइक बिफोर कोविड। आफ्टर कोविड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आईआईटी बॉम्बे वॉज कंडक्टिंग दिस फेस्ट। तो थोड़े से छोटे स्केल में हुआ था, बट इट वॉज रियल फन। पॉइंट बिंग की वो शुरू हो रहा था शाम के 7 बजे से, एंड वहां पे जो एंट्री के लिए लाइन लगने वाली थी 6:30 बजे से, एंड देयर वाज अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ क्राउड, जो कि आपने वीडियो के इंट्रो में देखा होगा। बट हम लोग को स्पेशल एंट्री अंदर अंदर पहले से मिल चुकी थी, गार्ड वगैरह थोड़ा सा बात करना पड़ा, नरेंद्र भैया थैंक्स उसके लिए। तो हम लोग अंदर चले गए एंड अंदर घुसते ही वी फाउंड एकनूर सिंह। फाइनली हम लोग ओएडी के एकदम अंदर आ चुके हैं जहां पे इवेंट होने वाला है, एंड भाई वाइब्स आर क्रेजी हियर। इतनी भीड़ भाई बॉम्बे में भी नहीं होती जितनी आईआईटी बॉम्बे के अंदर। अब इवेंट शुरू होने के पहले जो होस्ट थी शी वाज इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस, एंड उन्होंने ऑडियंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ए बी एंड सी। सो शी कॉल्ड आउट फॉर सम वॉलंटियर्स एंड एक छोटा सा वो लोग कुछ इवेंट टाइप मतलब कॉम्पिटिशन टाइप का रखेंगे पुशअप के लिए थोड़ा सा, ताकि माहौल लाइट हो जाए। एंड शी वॉज लाइक आई नीड सम वॉलंटियर्स फ्रॉम सी। मैं सी वाले रूम में बैठा हुआ था, पुशअप फिटनेस, मैंने बोला भाई जाऊँ क्या? फिर अंदर से एक और आई आवाज़ आया कि भाई छोड़ दे यार एंजॉय करते अभी। एक और आवाज़ आया कि भाई जाएंगे तो मतलब वो मज़ा आएगा। अंदर से एक और आवाज़ आया अंदर से कि क्या करेगा यार, फटेगी तेरी जगह। मैंने बोला तू भग, मैंने जाना है, मैंने जाके कुछ ना कुछ तो मैं कर ही दूंगा, मुझे नहीं पता। सो आई वेंट देयर फियरलेसली, मैं गया उधर, हैड अ वर्ड विद द लेडी, उन्होंने समझाया पूरी चीज़, एंड अ फ्यू अदर पीपल ऑल्सो जॉइंड अस आउट देयर। एंड अंदर जब स्टेज मतलब वो जो पोडियम था ना उधर मैं गया ना, वहाँ पे एनर्जी कुछ अलग आ गई थी अंदर से। एंड द वुमन वॉज लाइक योर टाइम स्टार्ट नाउ, सो वी वर सपोज टू डू पुशअप्स, जो लास्ट तक रहेगा टिका हुआ जो टीम वो टीम जीतेगी। बट अपेरेंटली किसी ने गिनाई नहीं कि कितने किसने कितने पुशअप मारे, सो नो वन एंडेड अप विनिंग। बट मैं काउंट कर रहा था, सो आई डिड 52 पुशअप्स इन अ स्पैन ऑफ लाइक 2-2.5 मिनट्स। मेरे लिए वो पीआर था, इससे पहले मैं 30-35 पुशअप्स मार लेता एट मैक्स, और वहाँ पे इज्जत की बात होगी जो कि सब देख रहे भाई आज तो मारना है ये 50 कैसे भी करके। एनीवेज सी जो हमारा टीम था दैट वॉन द इवेंट, मतलब हम लोग अंदर से मान लिए कि हम लोग जीत गए। बट हाँ इट लाइक रैंडमनेस देख रहे हो तुम कि आईटी बॉम्बे के अंदर जाके बीच में पुशअप मार के तुम्हारा भाई घर वापस आके वीडियो बना रहे उसके ऊपर। एवरीथिंग इज कॉन्टेंट। बट यस एट द एंड ऑफ द डे आई सॉ दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। तो मेरे को शर्म तो आ रही थी, मेरे को डबल थॉट्स तो आ रहे थे कि मैं जाऊं या ना जाऊं। बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू गो आउट देयर एंड जस्ट एक्सपोज योर सेल्फ, जस्ट पुट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर फियर्स, योर शेम्स, योर इनसिक्योरिटीज, तुमको जिस चीज को करने में डर लगता है, दैट माइट बी एनीथिंग फॉर यू, पब्लिक फियर हो गया या फिर कुछ भी हो गया, जस्ट गो आउट देयर, फेस इट, फिर जो होगा देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे, फिर फर्क नहीं पड़ता। एक बार तुमने वो काम कर लिया उसके बाद जिस लेवल पे तुम हल्का फील करते हो ना, मैं इधर बैठ के तुमको उधर ये चीज़ एटलीस्ट फील नहीं करवा सकता। सो आईआईटी बॉम्बे में उस दिन मैंने यही बात सीखी कि जहाँ से अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, दिल अगर मतलब इफ़ योर हार्ट सेज यस, दिमाग तरकीब निकाल लेगा। Oh,